प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल की कई सीटों पर रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को सबसे पहले आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मृति चिन्ह देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी के स्वागत की कड़ी में उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने उन्हें दुपट्टा और अन्य कई महिलाओं ने भी पीएम मोदी को आजमगढ़ का विशेष दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जनसभा स्थल पर लोगों का हुजूम नजर आया। चारों तरफ लोगों का जनसैलाब खचाखच भरा रहा। वहीं जब जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे तो जनता के उत्साह का ठिकाना न रहा। हर हर महादेव के उद्घोष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जनसभा की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। भाजपा युवाओं की आकांक्षाओं को समझती है। हमने सामान्य घर के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। हमारी सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या IIT, IIM, एम्स बना रहे, जिसका फायदा युवाओं को मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर को गाली देने का मिशन चला रखा है। सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। देश को आज सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। साथियों, इतनी गठबंधन तुष्टीकरण के दल दल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। मोदी आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त इलाज मिला, पक्का घर मिला,
घर में नल, नल में जल, सस्ता सिलेंडर, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंची है। क्या समाजवादी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उन लोगों ने आपकी कभी चिंता की थी क्या? उन्हें आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? ये मोदी है जो आपके जीवन से हर चिंता को दूर कर रहा है।